अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओ दादा टॉल के लिए आओ। आए रे। अरे यार तुम 6 घंटा यही से बरम थाने में देर हो जाती है। पहले काहे नहीं ले जाते हो तौलिया तुम? थाने गए नहीं कि तौलिया दो तौलिया दो। ले आओ। ये ले आओ। आँख में पानी है चलो। हाय भगवान का है जो छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे दादा अबे तुमने कछु करवा ही नहीं है कैसे छोड़ दे? ऐसे है तुम्हारी अम्मा ने देखो ना तो 50 बातें सुनाएंगे हमें। हटो दादा छोड़ने के लाने थोड़ी ना पकड़ो है। सुनो तुम नाराज हो का? हमारी शक्ल से नहीं दिख रहे हो तुम? हाँ तो दिख रहे हो तभी तो हम क्या करें। आओ तुम्हारी नाराजगी दूर कर। नहीं हो सकती ऐसा है। रात गई लेकिन बात नहीं गई। ठीक है तुमने हमारे पापा को अपमान करो अभी तक सॉरी नहीं बोलो। डोकर तुम्हारी एक तो दिक्कत है ना तुम पुरानी बातन में ज्यादा घुस नहीं। तुम जो बताओ पुरानी बातें कौन याद रखते हुए? हम तुम सुनो हमें लग रहा हो तुम्हारे ध्यान भटकाने पड़ेगा। कोनो फायदा नहीं है हमारे ध्यान भटकाने को। ठीक है हमारे ध्यान नहीं भटकने वाला हमें सब कुछ याद है। कहावत सुनी है तुमने इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है। वो इंसान और पुतला तुम्हें ही हो। ब्याह से लेके अभी तक कितनी गलतियां करी तुमने सॉरी बोलो हमें एक बार भी नहीं बोलो है। तुम्हें काका याद आ गया तुम चलो पुरानो कछु एक 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 किस्सा ही बता दूं सो जाने काका याद आ गया। 1 लाख सुनाओ एक सुना दो। एक बात बताए ना तुम्हें ऐसा है 6 महीने पहले शुक्रवार के दिन ऐसे ही तुमने हमसे तौलिया मांगो हम तौलिया लाके दे रहे थे तुमने हमारा हाथ पकड़ के खींचा और तुम्हारी छीना जपटी में जो है ना हमारे साथ दरवाजे से टकराओ लेकिन तुम ना रुके। समझ गए हमें याद है लेकिन तुम्हें जो नहीं है याद इतनी पुरानो दिमाग में मतलब हमारी आ नहीं सकती जो तुम्हारे बात मतलब सब याद है तुम्हें कमाल हो। तुम ससुर बा आदमी से बात कर रही जो उनको कल का खाओ कल का भाव थाने में गुनिया लहसुन कछु याद नहीं रहतू और तुम गड़े मुर्दा जाने काका निकाल रही पुरानी बातें। छोड़ो यार मिट्टी डालो। काहे मिट्टी डाले हैं नहीं काहे मिट्टी डाले ऐसा है हमें याद है मतलब याद है। पहले तुम्हारी दिक्कत थी कि हमें याद नहीं रहते जो तुम सब कछु भूल जाती हो अब हमें याद आ रहा तो तुम्हें वैसे भी दिक्कत। एक बात बताओ तुम्हें दिक्कत का है? ना ना तुम अपनी जगह सही हो हम तो तुम्हें सिर्फ जुआ समझाना चाह रहे वो भी बाथरूम में। कि ज्यादा गड़े मुर्दा उखाड़ने से लग जुटे बर्बाद हो तो आओ टाइम को यूज कर ले थोड़ी आओ। हटो तुम्हारी सब पुरानी आदत है दरोगे जी सब कछु करो बाकी मत बोलो मिट्टी डालो भूल जाओ लेकिन हम भूलने वाली पार्टी नहीं है हमें सब कछु याद है। मैं भाई तक हमारे पापा से सॉरी नहीं बोलो। अरे तुम अपनो बाथरूम में इतने गड़िया मां वाला तुमने पापा 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 घुस रहे तो लग रहे बाथरूम में बाप तुम आवा गओ। अरे दादा हम कह रहे अभी तो तुम पापा मतलब हमारो ससुर वो तक भूल गओ होगो। ऐसा है तुमने ना हमारे पापा को जानबूझ के अपमान करो तो अरे जाही के लाने जब तक भले पापा भले भूल जाए हम नहीं भूलेंगे जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक हम नहीं भूलेंगे। ठीक है बकवास नहीं करो हटो हमें जाते नहाओ जल्दी से और तौलिया आगे से लेके जाया करो। बैग गेयर कहां से डाल लो जाने कौन घड़ी में सारू चूरन खिलाओ तो घड़े मुर्दा उखाड़ रही है जाने कौन सी बात कब की बात लेके बैठी खोपड़ी फूट गई थी तो लिए तो हमने कई बार मंगाई। बिनो बेनी क्या हुआ? ले ओ तुम्हारा सर्टिफिकेट। अरे वाह क्या बात है कहां था? अलमारी के ऊपर धरो तो सुबह उठते ही याद आ गया हमें। देखा बेनी रज्जो की याददाश्त कितनी तेज हो गई। बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच। मतलब मैं ये सोच रहा था अगर ये सर्टिफिकेट ना मिलता तो हो सकता है मैं वकालत छोड़ के और कुछ करना पड़ता। हाँ मौके पर याद आ गया एकदम राइट टाइम पे। ऐसा बेनी जा सर्टिफिकेट से कोनो फर्क नहीं पड़ने वालों है तुम पे रहे नहीं रहे वैसे भी मुश्किल से 4 केस मिलते हैं तुम्हें साल में है क्या फर्क पड़ता है। चल छोड़ ना रज्जो खाए पकौड़े खाएगी। हाँ मैं भी क्या मे भी पहले बनाओ तो सही फिर खाएंगे। हमें ना तुम्हारे पकोड़े खाने नहीं है याद आओ हमें तुमने स्कूल में जो है ना मास्टर जी से डांट खिलवाई थी वही काफी है। मैंने हाँ कब मुझे तो याद नहीं है। मैं इसे की याद हमें है ना है याद करो तुम्हें पता है जाने क्या करो तो स्कूल में जो है चिंगम खाई मैडम वाकी बात जब मास्टर जी के साइकिल के सीट पे जाके चिपका दी और मास्टर जी जो है बच्चन से तनतनाए भय निकले सीट पे जाके बैठे आनंद वानंद में जब पैंट में उनकी चिंगम चिपक गई बाकी बात जहां माओ नाम लगा के जो है निकल गई होते से।
कितनी तादाद पड़ी हमें काय बचपन से और शक्ल से शरारती है ये। हाँ। बेनी बच्चे थे हम लोग, ये तो छोटी सी बात पे नाराज हो रही है। ऐसो बिनो जब छोटी सी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची होती। तुमने माफी तक नहीं मांगी। मैं क्यों माफी मांगू, काहे नहीं मांगो, बच्चे थे हम। अरे ठीक है, छोटी बहन है, माफ कर दो। क्या छोटी बहन है, तुम कम थोड़ी ना हो। हमने क्या कर लिया अब? हमने क्या कर लिया याद करो जरा। 21 मई 2011 शनिचर को दिन शाम के 7 बजे यानी कि हमारी एनिवर्सरी को दिन तुमने क्या करो, चोमूलाल कंग्रेजुलेशन कंग्रेजुलेशन चलो पार्टी करते हैं, दरोगा जी को लेके गए तुम। और तुम दोनों इतने टिका के, मतलब हद है यार, इतनी कौन टिका तो है, टिका के गटर के पास निकले, हमारी एनिवर्सरी को सत्यानाश करके धर दो बेनी तुमने। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब देखो, अगर हमने गलती की है, हम दोषी हैं, हम अपराधी है, तो हम हाथ जोड़ के मतलब करबद्ध निवेदन करते कि हमें क्षमा दान दिया जाए। ओके मम्मी, काय मेरी बेल्ट से तारे गन कुछ मिला? हाँ मिल गयो। मिल गयो है तो बता ना मम्मी कहाँ है, कल से बिरान घूम रही हूँ मैं। बेटा 2 मिनट सबर कर लियो, इतना हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है? तुम्हारी मौसी और मौसा जी ने जो है, जब तुझे करना हो तो कर लिए, तू लोकेशन बता दे, मैं खुद ले लूंगी। अरे भैया जा, लड़की चमची की बस्ता के भीतर रखे हैं तुम्हारे तारे सितारे और गन दोनों, जा ले लियो। हाँ तो क्या कह रहे थे? चमची के स्कूल बैग में गन धरी है। हाँ अरे भाग के जा देख, भी लोग हैं इस घर में। हाँ ले ले, स्कूल निकल जाएगी नहीं तो लेके। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? हाँ तो तुमने क्या करो वाकई बात? नमस्ते, तबियत कैसी आपकी, सब बढ़िया? तुम दोनों कौन हो? है? मास्टर जी आप हम दोनों को भूल गए, हम आपके फेवरेट स्टूडेंट हैं। मैं हूँ चमची, यह रणबीर भैया, आप मुझे प्यार से गिलहरी बुलाते हैं, गिलहरी। तुम दोनों हमारे फेवरेट क्यों हो? सर हम बहुत ही मेहनती स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्ची हैंगे, आपको पता है क्लास में हमेशा अव्वल आती आएंगे, तभी आप हमें तो मानते आएंगे। हाँ अरे आपका बस चले तो हमें गोद ले ले, आप हमें इतना पसंद करते हैं। पर हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आप हम दोनों को पूरी तरीके से भूल चुके हैं, और हमने आपके लाने जो कचू भी करो वो भी भूल गए। क्या किया था? रहन दो रणबीर भैया, किया हुआ गिनाने से कोई फायदा नहीं है, मास्टर जी तो सब भूल गए। नहीं नहीं बच्चों, तुम लोग शरीफ लग रहे हो चेहरे से, बताओ ना क्या किया था? सर सर हमने आपकी जान बचाई थी, वो कछू वो पिछले महीने ना हम पिकनिक पर जंगल में गए थे, वहाँ पे एक शेर आपके पीछे पड़ गया था, फिर मैंने उस चमची ने पटाखे जला के वह शेर को भगा दो। हाँ मास्टर जी आप तो शेर को देखकर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे थे, अगर हम दोनों टाइम पे नहीं आते ना तो आप शेर का डिनर बन जाते। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।